Assalamu alaikum, my name is Raheel Nawaz and welcome to forexustad.com. Today, आज हमने सीखना है MetaTrader के बारे में. MetaTrader के बारे में हमने पहले भी एक लेक्चर कर चुके हैं और लेकिन उसमें MetaTrader कंप्लीट हुआ ही नहीं था, स्टार्ट ही नहीं था हुआ, खत्म क्या होना है. तो बिल्कुल भी टाइम हमारे पास नहीं रहा था, लोग क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे थे तो मैं उनका आंसर करता रहा, जिसकी वजह से हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए. सो आज मैं कोशिश करूंगा कि MetaTrader को पूरा नहीं तो 80% तक मैं कवर कर जाऊं, बाकी जो 20 या 10% बचेगा वो इंशाल्लाह हम साथ साथ कवर करते जाएंगे. कौन कौन कहता है कि जी 100% मुझे पता है, या कौन कौन यहां पे ये समझ रहा है कि मुझे इनफ मालूम है. हमजा कह रहा जी मुझे पता है जी सब कुछ. आतिफ अली कह रहा जी मुझे भी सब पता है. सिकंदर 40% नहीं, सिकंदर है यार 100% कह रहा है जी. फैजान मेमून 40%, तलहा विक 95%. चलें जी, जो लोग 100% कह रहे हैं मैं उनको गारंटी देना चाहता हूं कि उनको भी आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जिनको 40-60% है या उनको तो बहुत ज्यादा इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं MetaTrader को. सबसे पहली चीज मैंने रखी है टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम में जो है कितना मैटर करता है आपकी ट्रेडिंग में. टाइम फ्रेम जब भी हमें कोई बंदा सिग्नल देता है या कोई इंडिकेटर हम यूज करते हैं या कुछ कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जितना असगर भाई ने अपनी फॉरेक्स प्लानिंग शेयर की थी आपसे, इसी तरह नेक्स्ट वेबिनार में मैं आपको काफी ज्यादा प्लानिंग और स्ट्रेटजीज दूंगा, बताऊंगा. असगर भाई बताएंगे और एक हमारे और दोस्त हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे. तो मैं कोशिश करूंगा कि और भी जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं वो आके आप लोगों को समझाएं फ्री. ठीक है, तो टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है. टाइम फ्रेम 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप लोगों को कोई स्ट्रेटजी बताई जाती है तो उस स्ट्रेटजी का एक टाइम फ्रेम भी होता है. लाइक असगर भाई ने लास्ट लेक्चर में आपको रिकमेंड किया था कि वो H4 पे करें, day 1 पे करें. ठीक है, तो ये उनकी रिकमेंडेशन थी उनकी प्लानिंग पे, उनकी स्ट्रेटजी पे. लेकिन अगर मैं असगर भाई की प्लानिंग पे चलना चाह रहा हूं या उनकी स्ट्रेटजी पे काम करना चाह रहा हूं लेकिन उसको मैं टाइम को फॉलो नहीं करता और M1 यूज करता हूं, M5, M15, 30 पे यूज करता हूं, तो फेल है. तो मैं ब्लेम करूंगा बाद में असगर भाई को, या जिसकी भी स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं कहूंगा जी आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, आपने मुझे लॉस करवा दिया, फलां 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 फलां. दर हकीकत इसमें मेरी अपनी मिस्टेक हो गई. सो टाइम फ्रेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. M1 यानी कि 1 मिनट, इसी तरह M30 तक जा रहा है जी, उसके बाद H1 हॉर्स स्टार्ट हो जाता है, इसी तरह H4 तक है. कुछ MetaTrader या कुछ लोग आपको H6 H8 भी रिकमेंड करेंगे जो कि यहां पे नहीं है, उनको यहां पे लाने के लिए मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को मैंने एक प्लानिंग स्टडी कर एक स्ट्रेटजी स्टडी की है जिसमें H8 यूज होता है. सो उसको कुछ जो MetaTrader हैं या कुछ प्लेटफॉर्म हैं जिनमें ज्यादा टाइम है, लेकिन जो MetaTrader 4 है जो स्टैंडर्ड है उसमें यही है. सो उसके बाद D1 से डे, W1 से वीक एंड MN मंथली चार्ट शो करता है जिसमें एक मंथ में एक कैंडल बनती है. इन चार्ट का मकसद ये है कि हर जो मंथ है या वीक है या डे है उसकी एक कैंडल, मंथ की एक कैंडल बनेगी यहां पे, वीक की एक कैंडल बनेगी week 1 पे, और यहां पे day 1 पे 1 कैंडल, एक पूरे दिन की यानी 24 आवर की एक कैंडल बनेगी. सो मुझे इससे पता चल जाता है कि एक घंटे में कितनी मूवमेंट हुई है, या अगर मैच 4 घंटे में देखना चाह रहा हूं तो 4 पे क्लिक करूंगा. ठीक है, तो इसी तरह हर एक का अपना अपना एक स्ट्रेटजी, अपनी अपनी प्लानिंग है. जबकि MT5 जो उसमें जो टाइम फ्रेम है उसमें H8 भी है, 6 आवर भी है, और उसके अलावा 12 आवर भी है. सो आप लोग अपनी मर्जी से नहीं यूज कर सकते अपने टाइम फ्रेम्स को. हमें टाइम फ्रेम कौन सा अच्छा लगता है, हमें M1 अच्छा लगता है, M5 अच्छा लगता है, उसकी वजह क्या है, उसमें तेजी से वो मूव कर रही होती है कैंडल्स, हमें अच्छा लगता है, हम चाहते हैं हम इन्हीं पे काम करें. ये लेकिन ये मैं आपको बताता हूं M1 M5 और M15 तक तो ये बिल्कुल बेकार है ना, सोचे भी ना M30 तक. आपने अगर स्टार्ट करना है तो H1 से स्टार्ट करें, और जितनी भी स्ट्रेटजीज अच्छी से अच्छी प्लानिंग है
ठीक है, वो एच वन एच फोर और डे वन पे है, ठीक है, वो इनसे आगे आगे हैं, ठीक है। तो ये जो एम वन फाइव पंद्रह ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, और ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, इनमें बिल्कुल नहीं पता चलता। लेकिन जो लोग कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लाइक कुछ लोग ऐसे भी आए हैं मेरे ग्रुप में जो $30 $40 $100 इवन पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बेटर है कि वो एम पंद्रह या थर्टी एच वन पे काम करें, क्योंकि उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है कि अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर गए तो उनके अकाउंट वॉश हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेड्स ओपन करते हैं। लाइक ये तो वैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, लेकिन जो बंदा भी अगर वो $10 से भी काम कर रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि उसके पास कोई ना कोई प्लानिंग या कोई ना कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उस्मान अफजल कह रहा है जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या सबके पास आवाज ठीक आ रही है? टाइम फ्रेम की इंपोर्टेंस का आपको पता चल गया होगा, और इसके बाद चेंज लैंग्वेज, लैंग्वेज हम कैसे चेंज कर सकते हैं जी? इट्स वेरी सिंपल, व्यू में जाना है और अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जिस लैंग्वेज में भी आप करना चाह रहे हैं काम, अरबी है, पश्तो है, या जो भी है, रशियन है, या इंग्लिश वगैरह, जो भी आप, ब्राजीली, काफी लैंग्वेजेस हैं, और मे बी एक दिन इंशाल्लाह उर्दू भी इसमें ऐड हो जाएगी। इसके बाद क्या है जी नेक्स्ट? लॉग इन अकाउंट, लॉग आउट एंड डिलीट जी। कुछ लास्ट टाइम मैंने लॉग इन अकाउंट क्रिएट करना सिखाया था कि हम किस तरह अपना लॉग इन अकाउंट कर सकते हैं, उसके लिए अकाउंट नंबर, पासवर्ड और सर्वर बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होता है। जिस भी ब्रोकर के साथ आप रजिस्टर हो रहे हैं, रजिस्टर होते ही आपको मेल आएगी जिसमें सर्वर जरूर लिखा होगा, या ब्रोकर की वेबसाइट के अंदर आपको जरूर बता दिया जाएगा कि आपका सर्वर ये है। उसके बाद जी अकाउंट डिलीट करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर आप लॉग आउट करना चाह रहे हैं तो, या तो अपना उस अकाउंट को रख के डेल का बटन क्रिएट क्लिक करेंगे तो वो वैसे ही डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहां से करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ओके जी नेक्स्ट क्या जी? मार्केट वॉच। ओके जी, मार्केट वॉच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने नीट एंड क्लीन रखना है अपने हिसाब से। लेट से इसमें कुछ जो पेयर ऐड करने आपने, इसमें आपने शो ऑल करके ऐड तो कर लिए, लेकिन यहां पे पेयर आपने वो रखने जिन पे आपने काम करना है, ज्यादा गन नहीं डाल के रखना, फिर आपको टेंशन होती रहेगी। लेट से हमने ये पेयर यूज नहीं करना, तो मैं इसको यहां पे क्यों रखूं, हिड करता हूं, हिडन, या इसको सिंपल ये है कि मैं डिलीट का बटन क्लिक करता जाता हूं तो जो पेयर मैंने यूज नहीं करना वो डिलीट होता जाएगा यहां से। इससे ये होगा कि देखें असगर भाई ने जो कल ट्रेड आपको प्लानिंग सिखाई थी उसमें क्या था कि अपनी ट्रेडिंग को, अपने प्लेटफॉर्म को या अपने चार्ट को नीट एंड क्लीन रखें, ठीक है। तो मेटा ट्रेडर जितना नीट एंड क्लीन होगा आपकी ट्रेडिंग करने में, उतनी ही आपको मजा आएगा, आसानी आएगी चीजों को समझ। इसमें इतनी करेंसीज हैं, इसमें कोई हजारे करेंसी है, हर एक करेंसी पे तो आपने काम नहीं करना। सो यहां पे हमने वो करेंसी रखनी है हमने जिसपे काम करना है, बाकी आप सारी ऐसा भी कर सकते हैं सबको हिडन कर दें, और जो जो करेंसीज आपने रखनी है जस्ट उनको ऐड करें, ठीक है ना। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर आपने कोई भी चार्ट ओपन करना है इंस्टेंटली तो आपको करेंसी तलाश नहीं करनी पड़ेगी ऐसे जनाब, पहले शो ऑल करके फिर सारी करेंसियां देखना जी मुझे करेंसी मिली नहीं रही, तो इतनी देर में हमारा टाइम ही गुजर जाए न्यूज का या जो भी हम करना चाह रहे हैं, तो मजा नहीं आता। तो ये देखिए ये डेड पेयर पड़े हुए इसमें कुछ अजीब अजीब हैं जिन पे हमने कभी काम ना किया ना सुना, जिनकी करेंसी का भी हमें नहीं पता। आपने कुछ मखसूस पेयर रखने हैं जिन पे आपने काम करना है। सो इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा मिला है, क्योंकि ये आपकी, आपने मेरे कहने पे काम करना है लेकिन आपने करना तो खुद ही है ना। सो जिस तरह मैं कहता हूं आप उसी तरीके से करेंगे तो आपका जहन जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी टर्म है कि अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है ना तो आप लॉस कर बैठते हो, आप चीजों को सही तरीके से जल्दी तलाश नहीं कर पाते या आपको परेशानी होती है। सो वो हमारा ध्यान जो है वो कहीं कहीं और ले जाती है, हमारे प्लान से हट जाता है। सो इसको जरूर आपने नोट करना है। ये तो हमने देख लिया कि किस तरह हमने डिलीट करना है, किस तरह हमने सिंबल्स को ऐड करना है, हिड करना है, ठीक है, और
ये सारी चीजें आप जो हैं बहुत इजी हैं कि आप इसको मैनेज कर लें, लेकिन मैनेज आपने अपने हिसाब से करना है। आप अपने प्लानिंग ना है कि मैंने इन इन पेयर्स पे काम करना है, और फिर उन उनको यहां पे ऐड करके बाकी सबको डिलीट करके, दैट्स ऑल। ओके जी, ओपन न्यू चार्ट। देयर इज अ टू वे टू ओपन अ न्यू चार्ट। सबसे पहला ये है कि आप यहां पे क्लिक करें, यहां पे मेजर करेंसीज या जो करेंसीज आप ज्यादा ओपन करते हैं वो यहां पे होंगी। सो और यहां पे देखें कितनी लंबी लिस्ट है, ठीक है जी। फॉरेक्स मिनी है यहां पे देखें। सो यहां से भी आप किसी भी चार्ट पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। लो जी, ये चार्ट ओपन हो गया, ठीक है।